तो भी रूम को बोल देते हैं टाटा बाय बाय, लाइट्स ऑफ। चलो जी अपन रेडी निकलते हैं अभी। हाँ ऊपर। तो अभी निकल चुके हैं बरेली से। तो ये कुछ सैटेलाइट चौराहा है, सैटेलाइट बस स्टैंड है। तो यहाँ से सभी जगह के लिए जो बसेस मिलती है, तो हम लोग को जाना है बीसलपुर चौराहे और वहाँ से बीसलपुर होते हुए बोला जाऊँगा। तो ये कुछ बीसलपुर चौराहा है, यहाँ से हम ले लेंगे राइट और ये बीसलपुर होते हुए बोला जाएगा रास्ता। तो अभी फ्यूल डलाने की मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी तो इंडिकेट नहीं कर रहा है ये, तो मैं सोच रहा हूँ चलाते हैं, देखते हैं कितनी दूर तक ये जा पाएगी, क्योंकि रास्ते में पेट्रोल पंप्स हैं। इस रास्ते पे मैं आ चुका हूँ तो दिक्कत नहीं होगी, जैसे ही इंडिकेट करेगा मैं फ्यूल डला लूँगा। कोशिश करता हूँ कि घर तक ऐसे ही चली जाए, तो देखते हैं कैसे पहुँचती है। लखनऊ 239 लिखा हुआ है, लेकिन लखनऊ 239 है नहीं। बीसलपुर 36 किलोमीटर लिखा है, लेकिन 36 किलोमीटर है नहीं, गलत मेजरमेंट लिखा रखा है इन लोगों ने। तो सीधे जाना है हम लोग को, तो इधर उधर देखते हैं और सीधे निकलते हैं। ये भूता बीसलपुर होते हुए गया है, तो इधर से चलेंगे हम लोग। अब मुझे एक चीज़ की टेंशन है कि पंक्चर ना हो जाए। जितनी टेंशन मुझे फ्यूल की नहीं है, उससे ज़्यादा टेंशन पंक्चर की है, क्योंकि फ्यूल तो इंडिकेट करेगा लेकिन पंक्चर जो है बिना बताए ही हो जाती है। क्योंकि इस वाले रूट पे नॉर्मली जो गांव की रोड्स होती हैं वो भी मिलती हैं, तो उनसे पंक्चर होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं थोड़ा ढंग से चलाऊँगा तो शायद मैं घर पहुँच पाऊँ बिना पंक्चर के। जब आप ऐसे गांव वाले रूट पर निकले, मतलब ये रास्ता है गांव वगैरह होते हुए गई है, गांव के अंदर से ये छोटा सा हाईवे गया हुआ है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखें कि कभी भी किधर से कोई भी आ सकता है। मतलब जब ऐसे कोई मोड़ आए, जैसे कि ये हो गई या आगे कोई आएगी, तो आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग हॉर्न और टिपर ऊपर कुछ भी नहीं होता, उनके लिए जिनके लिए होता है बस निकलो हटाओ। तो भी हम बीसलपुर के अंदर आ चुके हैं, तो अगर आपको सिटी के अंदर जाना है तो आप सीधे चले जाइए, वरना राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड जो है बीसलपुर बाईपास पे निकालेगा आपको, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चाय दे दीजिए एक। देख सकते हैं मकसूदापुर वाली नहर कितनी भरी चल रही है एकदम, और ये बहुत सकरी सी है, बहुत पतली सी। तो एक बार में जैसे सामने बस आ रही है, तो अभी बस निकलेगी तो बाकी कोई वाहन नहीं निकलेगा, मतलब पूरी भरी चल रही है। तो अभी चाय हो चुकी है अपनी कंप्लीट, तो अभी आगे की जो यात्रा हमारी बची है वो हम कंप्लीट करते हैं। एंड वहाँ पर मैंने पकौड़ी ली थी, और आपने देखा होगा वीडियो में पीछे से एक चील आई, चील या कोई पक्षी आया था वो उठा के ले गया, मैंने बस उसमें से एक पकौड़ी खाई। मैं कहा चलो ठीक है, तुम्हारे हिस्से में लिखी थी, क्योंकि खाने मतलब दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो मैंने दोबारा ली भी नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं था। मैंने ऐसे ले लिया था कि खाली चाय पी रहे हैं। तो अभी फटाफट से निकलते हैं, और मान के चलिए एक घंटा और लगेगा मुझे, 8:39 हो गया है, अरे कितना भी लगेगा 10 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। तो भी आ चुके हैं बंडा, ये देख सकते हैं बंडा चौराहा, और यहाँ से हमको जाना है बिल्कुल सीधे। अगर आपको पुआएँ वगैरह जाना है तो आप लेफ्ट ले सकते हैं, और इधर शाहजहाँपुर साइड जाना है तो राइट ले सकते हैं।
और आसपास का ज़्यादा एरिया मुझे पता नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं गूगल मैप है ही। ऐसी रोडों पे अगर आपको ऐसे ट्रक मिल जाए आपके सामने तो ओवरटेक करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उधर से भी सारे लोग आ रहे होते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं इस ट्रक के पीछे चल रहा हूँ एंड आपको उस स्पीड में चलना होगा जिस स्पीड में ये भाई साहब चल रहे हैं। तो ये अभी मुझे पास दे दिए हैं, मैं निकल लेता हूँ। तो आपको बड़ा सावधानी से निकालना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो आप रोड के उस पार चले जाएंगे, फिर आपको चढ़ाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस की और साथ ही साथ सिक्योरिटी अपनी रखिए। अगर आपको लगता है आप निकाल लेंगे तो निकाल लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट होके मत निकालिए वरना दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी ग्रेजुएशन वाले कॉलेज हैं, हर कॉलेज के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जाम लगा रखा है, तो एग्जाम चल रहे हैं उस कारण। बाप रे कितनी ज़्यादा भीड़ है झोला के अंदर। सो भी हम आ चुके हैं घर और बाहर बैठे हुए हैं एक लोग, इनको कुछ खाना पानी देते हैं। हाय, आई एम बैक। और डोलू ने भौंकना शुरू कर दिया है। बस डोलू। हाय, देखो ए भाई 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 नहीं बेटा, आ गए ना आप तो? नहीं नाखून ना मारो यार, चांद बस शांत हो जा, शांत हो जा। The next day. तो ये है नेक्स्ट डे, और मतलब मैंने पिछली दो ट्रिप में ये चीज नोटिस की है, मैं ट्रिप करने के बाद बहुत ज्यादा थक जा रहा हूँ। मतलब बॉडी को ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वो थकी थकी है, लेकिन मेरे साथ हो कुछ ऐसा रहा जैसा मुझे लग रहा है कि हाँ मैं थक गया हूँ। मैं अयोध्या वाली ट्रिप से आया, मैंने दो दिन मतलब ऐसा सोया हूँ मैं क्या बताऊँ। और अभी ये ट्रिप जो हुई टोटल, ये अयोध्या से ज्यादा मैंने गाड़ी चलाई। वहां पे अयोध्या वाली ट्रिप हुई थी 350 किलोमीटर और ये हुई है 410 या 415 किलोमीटर किलोमीटर की, तो उससे तो ज्यादा ही है ये, लेकिन वही है सेम चीज। वहाँ पे भी मैं सोता रहा और यहाँ पे भी मैं सोता रहा। मैं घर पे आया कल सुबह आया था, आज ये नेक्स्ट डे है, शाम हो चुकी है और सोए जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और मौसम मैं आपको दिखा दूँ तो सुबह से बारिश हो रही थी, छत पे देखे पानी वानी भरा हुआ है। बाकी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, छत देख लीजिए पूरी सब पानी से भरी हुई थी, अभी साफ हो रही धीरे धीरे। सामने का नज़ारा आप देख लीजिए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी हुई है, पूरा भरा हुआ है। सो अभी मैं ऊपर आया, मतलब कल से ब्लॉग व्लॉग साइड हो गया था सब कुछ। मैं आया, जो भी आने मतलब आने से पहले वहाँ पे ब्लॉग बनाया था वो एडिट किया, फिर उसको अपलोड किया, काम धाम किया और सो गया। फिर सोता ही रहा और अभी 3:30 बज चुका है शाम का, 4 के करीब। तो अब जाके मैं ऊपर आया, देखा कि बारिश बंद हुई है, तो मैं कहा थोड़ा सा व्लॉग करते हैं, क्योंकि डेली व्लॉग्स बनाने में यही होता है, आपको व्लॉग बनाना ही बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैं सोचा व्लॉग करता हूँ, आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करता हूँ जो मेरे साथ हो रही है, उससे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बस सोए जा रहा हूँ। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, जैसा कि आपको पता होगा लखनऊ में मैंने फ्यूल डलाया था, और फ्यूल डलाया था करीब 800 कुछ रुपये का, और टैंक जो है वो फुल हो गया था क्योंकि उसमें पहले से ही फ्यूल था। तो तब से मैंने फ्यूल नहीं डलाया है, मैंने ट्रिप में भी बताया था कि मैं नहीं डलाऊंगा, देखूंगा कितना चलेगी ये। तो टैंक फुल था, तो टैंक फुल होने के बाद लखनऊ से बरेली, बरेली से गोला हम आ चुके हैं, और अभी तक इंडिकेट भी नहीं किया है उसने कि फ्यूल लो है। जो बुलेट में ना मीटर नहीं होता कि फ्यूल कितना है क्या नहीं है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, उसमें मीटर ही नहीं होता, उसमें आप पता नहीं लगा सकते कि कितना फ्यूल है। खैर इंडिकेटर होता है उसमें तो बता देता है जब रिजर्व में जाने वाली होती है, फ्यूल ख़त्म होने वाला होता है, बस वही होता है। अगर आप तब नहीं डला पाए तो फिर वो सीधा ख़त्म, तो अभी तक वो जला नहीं है। मैं सोच रहा था जब जलेगा तभी डला लूँगा। तो अब नेक्स्ट ट्रिप जो कल होने वाली है वो लखीमपुर की होगी, क्योंकि आप सब अगर मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं देखते हैं तो आपको पता होगा कि अलॉयज डलाने हैं, तो कल लखीमपुर जाना है। सो इस वाली ट्रिप में बुलेट ने कितना एवरेज दिया उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। हालांकि अदर बुलेट्स की अपेक्षा मेरी बुलेट थोड़ा कम एवरेज देती है,
खैर जैसा भी होगा, सर्विस करा के तुरंत लेके गया था तो एवरेज अच्छा देगी, तो वो मैं काउंट करके आपको शेयर करूंगा। तो कल निकलेंगे लखीमपुर। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और ब्लॉग्स को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए, अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई सारे लोग, मतलब उन लोगों को लगता होगा क्या बनाता है, बस जस्ट बोला, ख़त्म, एडिट किया, डाला। एक बात बताऊँ सीरियसली, जस्ट 1 से 2 दिन ब्लॉग करके देख लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा मेहनत क्या होती है। हालांकि हम बताते इतना ही, हाँ मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ, लेकिन छोड़िए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।